मैनपुरी डीएम आवास के निकट बेशकीमती सरकारी 30 बीघा जमीन का घोटाला सामने आया है। कलेक्ट्रेट के लिपिक ने तत्कालीन लेखपाल से मिलकर तहसील के दस्तावेजों में हेरा फेरी करा कर ये जमीन अपने नाम करा ली थी। ये खुलासा उप जिलाधिकारी सदर ऋषिराज की जांच में हुआ है। घोटालेबाज लिपिक रिटायर्ड हो चुका है। मामले में रिटायर्ड लिपिक तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद रिटायर्ड लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मैनपुरी सदर तहसील इलाके का है, जहां पर 44 साल पहले डीएम आवास के निकट सरकारी नजूल की 30 बीघा बेशकीमती जमीन को कलेक्ट्रेट पर तैनात तत्कालीन लिपिक प्रभु दयाल ने तत्कालीन लेखपाल से मिलकर तहसील के दस्तावेजों में हेराफेरी कराकर अपने नाम करा ली थी। जमीन को कब्जा लिया था। 10 साल पहले लिपिक प्रभु दयाल रिटायर्ड हो गया। सरकारी जमीन घोटाले की जानकारी होने पर जिले के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मामले की जांच उप जिलाधिकारी सदर ऋषिराज को सौंपी। उप जिलाधिकारी की जांच में जमीन घोटाले का खुलासा होने के बाद रिटायर्ड लिपिक प्रभु दयाल तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। केस दर्ज होने के बाद आरोपी लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्र कुमार, मैनपुरी। सर, एक बड़ी कार्रवाई की है। 30 बीघा सरकारी जमीन थी, उसको कब्जा मुक्त आपने कराया है और बड़ी कार्रवाई की है उसमें लेखपाल के खिलाफ और पूर्व बाबू कलेक्टर। क्या पूरा मामला है सर? इसमें मामला संज्ञान में आया है कि प्रभु दयाल पुत्र चिरौंजी लाल निवासी गोला बाजार के द्वारा, जब वो वर्तमान में पहले ये जब कलेक्ट्रेट में बाबू रहते थे, तो इनके द्वारा अभिलेखों में हेरा फेरी करके अराजी लाइन देहात की बेशकीमती जमीन नजूल की भूमि जो कि सरकार में निहित है उस पर अपना अवैध रूप से इन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया। कुल 6 गाटा नंबर थे और इनका रकबा लगभग ये 6 एकड़ के अभिलेखों में भी पाया गया है। और भी विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और भी कुछ घपला किया गया हो, तो उस पर भी हम लोग जांच बैठाए हुए हैं। सिर्फ इन पे ही नहीं, तत्कालीन राजस्व कर्मी लेखपाल इन सबके खिलाफ FIR कराई गई है। प्रभु दयाल के खिलाफ नामजद है और बाकियों के खिलाफ जो है सो अभी विवेचना के क्रम में उनके जो है सो तलाश की जा रही है और उनके नाम बढ़ाए जा रहे हैं। सर, जमीन की लगभग कीमत क्या होगी? लगभग कीमत बताना अभी क्योंकि मेरे पास सर्कल रेट की वो नहीं है, लेकिन बेशकीमती जमीन है, डीएम सर के आवास से एकदम सामने की जमीन है, नजूल की है, सरकार की है, और जो जमीन सरकार की होती है वो बेशकीमती जमीन है। सर, वही जो कर्मचारी थे वो सेवा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।